Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ममता पांडे आर्यस आर्ट। आज के वीडियो में मैं प्लास्टिक नेट शीट पे आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर वॉल हैंगिंग बनाकर दिखाने वाली हूँ और आपको इस वीडियो को सरल तरीका से बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें प्लीज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो लोग कर लिए हैं उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और जो लोग नहीं किए हैं वो लोग कर लीजिए। हम आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियो लेकर आते रहेंगे और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये देखिए, ये वॉल हैंगिंग आप लोगों के लिए बहुत ही इजी तरीका लेकर आई हूँ और बहुत ही सुंदर दिखेगा, बहुत ही कम टाइम में बनने वाला है। ये देखिए, हमने यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई हमने पूरा 23 है और यहाँ पे हमने 9 छोड़ कर 10वें से स्टार्ट किया है तो हम 23 से स्टार्ट करेंगे और इधर ये जो छूटा हुआ है भाग यहाँ पे 20 है और इधर भी 20 है, हमको 20 से स्टार्ट करना है। तो ये देखिए, हम यही वाला लाइन पकड़ लेंगे जहाँ से बना हुआ है, यहाँ से हमें 20 पे 23 पे स्टार्ट करना है। तेईस होना चाहिए, हो गया 23 पे स्टार्ट किए हैं तो यहाँ से हमको ये जो बनाएंगे, ये जो लाइनिंग बनाए हुए हैं ये हमारा 14-14 पे है तो हम 14 पे बनाएंगे। सब में से एक एक बार बनाना है, इधर भी 14 पे बना लेंगे। ये देखिए, 14-14 पे बनाने के बाद फिर हमको क्या करना है, धागे को इसी में से निकालेंगे जहां पे ये बना हुआ है। फिर इसके बाद अब यहाँ से हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे बनाना है हमको। फिर से धागे को यहीं पे निकालेंगे। पे बनाने के बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए, ये लाइनिंग गिनने में हमको ये बराबर से आ रही है और इधर से गिनने में नहीं आ रही, इधर से गिनेंगे तो सीधा सीधा जाएगा और इधर से गिनने में दिक्कत हो रही है तो हमको इधर से सही पकड़ रहा है तो हम इधर से गिनेंगे। एक ये जो धागा जिसमें से है उसको पकड़ कर गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पे बनाएंगे। फिर इसी में मिला देंगे, ये देखिए। फिर यहां से धागे को निकालेंगे, फिर यहां पे मिला देंगे, ये देखिए। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम ब्लू कलर से अंदर अंदर साइड से इस पे दोहराएंगे, धागे को यहीं से निकालेंगे और फिर अंदर अंदर साइड से हमको दोहराना है।
कंप्लीट करना है। ये देखिए ब्लू वाली लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम ये वाला कलर, अब ये जो बना हुआ है यहाँ से नहीं निकालेंगे, इसके बगल में ये जो दिख रहा है यहाँ से निकालेंगे धागे को। ये देखिए, फिर इसके बाद यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे डालेंगे धागे को, फिर इसके बाद ये देखिए ऐसे मिलाते जाना है। देखिए अब यहाँ पे दूसरा कलर ऐड करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, उसके बगल में से निकालना है हमको। यहाँ से निकालने के बाद फिर यहाँ पे मिलाना है। अब ऐसे हमको हर कलर ऐसे ऐड कर देना है। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं, ये रेड कलर लगाने के बाद यहाँ पे हमने पिंक कलर भी ऐड कर दिया है, और इसके बाद व्हाइट कलर, व्हाइट और यहाँ पे गोल्डन कलर का यूज किया है। बीच में कैसे बनाएंगे यहाँ पे हम बनाएंगे, बनाकर दिखाएंगे। अब यहाँ पे डबल करना है। ये देखिए ऐसे हमने सब में बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे कैसे बनाना है ये सब बनाए जो है ये बनाकर दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पे बनाना है हमको। तो यहाँ पे ये जो भाग है यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 तीसरे में से निकालेंगे। आठ पे बना देंगे, फिर यहाँ पे भी ऐसे करना है, 1 2 3 यहाँ से निकालेंगे धागे को और यहाँ पे मिला देंगे। फिर इसके बाद डबल बार करना है हमको। ये देखिए ये बनाने के बाद हमको अब यहाँ पे बनाना है, तो क्या करेंगे धागे को कट नहीं करना है, यहाँ से पीछे साइड से ये धागे से फंसाते हुए तब धागे को निकालना है इधर। ये देखिए फिर अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए सीधी लाइन से गिनने में आ रहा था, ये सीधी लाइन दिख रही है। अब यहाँ पे क्या है ऐसे आएगा, 1 2 3 4 5 6 अगर ऐसे आएगा तो 6 पे बनाएंगे, और सीधी लाइन से जब आएगा तो हमें 8वें पे बनाना है। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 पांचवें से निकालेंगे, फिर छठवें में बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 ये देखिए।
ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ये जो बनाए हुए हैं, यहाँ पे ये धागा बचा हुआ है तो बनाकर दिखा रहे हैं। यहाँ से निकालेंगे, एक दो तीन चार, चार बार करने के बाद फिर वहीं पे नीडल को निकालेंगे, ऐसे घुमाकर निकालेंगे, ये देखिए। फिर इसके बाद यहाँ ये देखिए अब ये जो बना हुआ है यहाँ पे कलर भरेंगे, ये वाले कलर से बनाएंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे गिनने में एक दो तीन चार पाँच छः है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा ऐसे ऐसे भरेंगे और एक में दो दो बार करना है। यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से धागे को लेंगे और यहाँ से डबल डबल बार यहाँ पे भी करना है। ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम आज प्लास्टिक रेड शीट पे लिखने का तरीका अलग बताऊंगी। अब यहाँ पे हमने आई और यहाँ पे लव लिखना है, तो यहाँ पे हम लव लिखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे या फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम ब्लू कलर जैसे यहाँ पे दोनों साइड लगाए हुए हैं, यहाँ पे एक लगा के दिखा दे रहे हैं, फिर इसके बाद क्या बोलते हैं इसके आगे लिख लेना है। ये देखिए कैसे लगा। ये देखिए कंप्लीट हो गया। प्लीज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।